हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे भक्तों और सज्जनों, अब हम श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद आरंभ करते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का वचन सुनकर कहा, हे राजन, तुमने जो पूछा कि अंत समय मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सो बहुत अच्छी बात पूछी। इसमें संसारी जीवों का भी भला होगा। अरे राजा, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल सुख विलास में डुबा रहकर भ्रष्ट हो रहा है, उसके वस्तु सब दुख समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग संसारी विषय वे सुख के पदार्थ की चाह रखते हैं, पर बिना परमेश्वर की कृपा दया उनको कुछ सुख नहीं मिलता। वे इसी तरह अपनी आयु रात को स्त्री संग और दिन को व्यापार में खत्म कर देते हैं। उन्हें आठों पैर संसार काम की छुट्टी नहीं मिलती है कि उत्पन्न करने वाले पालन करने वाले नारायण जी का किसी क्षण सुमिरण वे ध्यान करें और अपना लोक परलोक बनाएं। वे धन और परिवार से अपना भला चाहते हैं। देखो मनुष्य, जिस स्त्री पुत्र के मोह में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है, उनका मरना भी अपनी आंखों से देखकर मन को माया जाल से विरत नहीं करता। मरने के उपरांत कोई बेटा भाई बंधु उसकी सहायता नहीं कर सकता। वे पाप करने के बदले आप नरक भोगता है। अरे राजा परीक्षित, तुम्हारा जन्म तो भारत खंड में हुआ। जो मनुष्य इस भूमि में जन्म लेकर परमेश्वर का भजन ध्यान कर वैकुंठ का सुख पाता है, उन्हीं लोगों का संसार में जन्म लेना सफल है। देखो मुनि ऋषिवर लोग संसारी माया छोड़कर वन में श्याम सुंदर का सुमिरन भजन कर अपना काल बिताते हैं। सो ए राजन सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुंची हो, उसको भवसागर पार उतारने के वस्तु भगवान कृष्ण की कथा स्तुति सुनने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। वे मनुष्य अपना मन स्त्री पुत्र वे धन आदि संसारी माया से व्रत रख कर इस बात पर स्थित करे कि यह सब जगत व्यवहार झूठा है और संसार की वस्तु सदा वर्तमान नहीं रहती और मरने के उपरांत कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती है, वे केवल अकेला जाता है। स्त्री पुत्र वे धन आदि सब उसको छोड़ देते हैं। इस वस्तु बुद्धिमान ज्ञानी को उचित है कि भगवान की कथा शुद्ध मन से चित लगाकर सुने। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाकर उसी पारब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति उत्पन्न करें। जो कुछ कथा लीला सुने उस पर विश्वास रखकर कभी उसको झूठ ना जाने, उसको सत्य जानकर किसी बात का संदेह ना करें, तब वे मुक्ति पदवी पाएगा। अरे ये राजा, हम श्रीमद् भागवत जो सब प्राणों में उत्तम है, उसमें केवल श्याम सुंदर की लीला स्तुति लिखी है और हमने अपने पिता व्यास जी के मुख से उसे पढ़ा था। तुमको सुनाते हैं, जिस किसी की इच्छा हो कि हम अवज्ञ मान से छूट जावे, उसके वस्तु श्रीमद् भागवत सुनने के सिवा दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। सब शास्त्र सुनने का पद केवल श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। इसे सब वेदों का रस समझना चाहिए। जिसको यमराज की फांसी से छूटना हो, वे भागवत सुने, परमेश्वर के चरणों में उसकी प्राप्ति उत्पन्न होगी। जो मनुष्य स्त्री मोह में फंसा रहता है, वे कथा चित्र भी कथा सुनने का नित्य अभ्यास करे तो निसंदेह उसका मन
वृत होकर हरि चरणों में प्रति उत्पन्न हो और अवज्ञ मान से पार उतर जाएगा। अरे जिस सतन पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस सतन पर सब तीर्थ वे देवता लोग सुनने के वस्तु आन कर इकट्ठे होते हैं। अरे कृष्णा, प्यारे भक्तों और सजनों, हम भी भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा पाकिस्तान देश में कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम जिस सतन पर श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, उस सतन का नाम है कराची, और जिस मंदिर में हम ये कथा कर रहे हैं उस मंदिर का नाम है श्री श्री न्यू वेंकुट धाम। हरे कृष्ण। अब हम कथा आरंभ करते हैं और इसके सुनने से अनेक जन्मों के पाप छूट जाते हैं। सोए राजा परीक्षित, तुम भी इस कथा के सुनने से मुक्ति पदवी को पहुंचोगे। कदाचित्र तुम ये बात कहो कि तुम्हारे आने से पहले ये सब ऋषिवर जो यहां वर्तमान थे, इन्होंने हमको भागवत कथा सुनने की सम्मति क्यों नहीं दी। अरे इसका कारण ये समझना चाहिए कि अभी तक ऋषिवरों का मन एक बात पर स्थित नहीं था। कभी यज्ञ करने के वस्तु तो कभी जप, कभी तीर्थ, कभी दान वे पूजन की तरफ होता था, और हम अपना मन रात दिन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में सुमिरन में लगाकर श्रीमद् भागवत पढ़ने के सिवा दूसरी बात से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं, और अवधूता की तरह अपनी आयु इस संसार से दूर रखते हैं और आनंदमय भगवान श्री कृष्ण में अपना जीवन लगाते हैं। अरे राजा परीक्षित, कथाचित्र तुम ये जानते हो कि हमारे मरने में थोड़े दिन रह गए हैं, सो इस बात से मत डरो। तुमको अभी 7 दिन मरने में हैं। श्रीमद् भागवत की कथा चित लगाकर अच्छी तरह प्रेम से सुनो, तुम्हारी मुक्ति होगी। खट्रवांग रामिक राजा 2 घड़ी में मुक्त हुआ था। तुमको 7 दिन बहुत हैं। तुम क्यों घबराते हो? कदाचित कोई सच्चे मन से परलोक बनाना चाहे तो वे घड़ी में मुक्ति पा सकता है। संसारी माया मोह में हजारों वर्ष तक अपनी आयु वृत बितावे तो मरने के उपरांत नरक भोगता है। ये बात सुनते ही राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, राजा खट्रवांग 2 घड़ी में किस तरह मुक्ति पदवी पाया था, उसका हाल विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, त्रेता युग के आदि में खट्रवांग नामिक सातु द्वीपों का बड़ा प्रतापी बलवान नीतिमान धर्मात्मा अपने कर्म वे धर्म से अयोध्यापुरी में रहता था। उन्हीं दिनों में दैत्यों ने इंद्र आदि देवताओं को लड़ाई में जीतकर इंद्रहासन से निकाल दिया। तब पुरोहित बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि जब राजा खट्रवांग तुम्हारी सहायता करकर दैत्यों से लड़ाई करें तब तुम्हारी जीत होगी। ये बात सुनते ही इंद्र देवताओं समेत मृत्यु लोक में जाकर खट्रवांग के पास गया और उससे अपना हाल कहकर सहायता चाही। राजा ने उनको दंडवत प्रणाम कर कहा, हमारा बड़ा भाग्य जो तुम लोग हमसे दैत्यों की लड़ाई की वस्तु सहायता चाहते हो। एक दिन इस शरीर को अवश्य नाश होना है, कदाचित्र आप लोगों के काम आवे तो इससे क्या उत्तम बात होगी। ऐसा वचन कहकर राजा ने अपने अस्त्र बांध लिए और देवराज इंद्र के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया और उन्हें जीतकर फिर देवता को राजगद्दी दे दी। जब देवताओं ने राजा की कृपा से विजय पाया और निरंडे होकर अपना राज्य करने लगे, तब राजा ने देवताओं से विदा मांगी।
उसी समय इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, अरे राजा तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। ये बात सुनकर राजा ने विचार किया कि हमने सहायता कर इनका छूटा हुआ राज्य इनको दिला दिया, इनसे कौन सी वस्तु मांगू। इंद्र ने उनके मन का हाल जानकर कहा, अरे राजन देवताओं को बीती हुई होने वाली सब बातें मालूम हो रहती है। हम लोग दैत्य के डर से वैकुल थे क्योंकि वे हमसे बलवान थे, इसीलिए तुमसे सहायता चाही थी। ऐसा वचन सुनकर राजा ने अपने बुढ़ापे को सोचकर देवताओं से पूछा कि आप पहले ये बताइए कि मेरी आयु में कितने दिन हैं, तब मैं तुमसे वरदान मांगूंगा। इंद्र ने विचार कर कहा, अरे राजन तुम्हारी आयु में केवल 4 घड़ी है। ये बात सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा कि हम वरदान मांगते हैं कि हमें इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दीजिए, वहां हमारी कर्म भूमि है। अब मरने का समय निकट हुआ, वहां जाकर मैं ऐसा कर्म करूं जिसमें अवज्ञमान से छुटकर भव सागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी समय बहुत वेग से चलने वाला एक विमान राजा को दिया। राजा उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी में अपने सतर पर पहुंचा। अरे ये राजन, उसने भारत खंड को देवलोक से अच्छा जाना और मरने के वस्तु अयोध्यापुरी में आया। सो तुम विश्वास कर जानो कि भारत खंड बहुत अच्छा सतन है। राजा ने अयोध्या में आकर उसी 2 घड़ी में सब वस्तु ब्राह्मणों को इच्छा पूर्वक दान देकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्त्री पुत्र वे राज्य माया मोह मन को तोड़कर वैराग्य धारण कर सरायु के किनारे जा बैठा और भगवान के ध्यान में लीन होकर अयोध्या योग अभ्यास से अपना तन त्याग कर वेंकुर को सितारा। सोए राजन उसकी मुक्ति 2 घड़ी में हुई। तुझे अभी 7 दिन बहुत है, तुम अपना मन संसारी माया से छोड़कर सब इंद्रियों को अपने वश में कर परमेश्वर के वैराग स्वरूप का ध्यान करो। सब लोग उसी रूप में वर्तमान है। ऊपर के 7 लोग कमर से ऊपर और नीचे के 7 लोग कमर के नीचे उस आदि पुरुष के समझो। जितनी वस्तु तुम संसार में देखते हो वे उस रूप में रूप से कोई बार नहीं है। ये बात विचार कर उस तेज के साथ जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा प्रकाशित है ध्यान लगाओ। सब जीवों में उसी तेज का चमत्कार जानकर उसके सिवा सब जगत का व्यवहार झूठा समझो। जो कोई उसको सब जगह एकत्र देखता है उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता और मित्र से भी सहायता की इच्छा नहीं रहती है। सब जीवों में उसी का प्रकाश उसको दिखलाई देता है। श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर श्रीमद् भागवत की कथा मन लगाकर सुनो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों से सुखदेव जी महाराज ये अप्रिय कर रहे थे कि तक्षक सांप का डर राजा के चित्त से निकल जाए। जब राजा अपने मन में विश्वास कर नारायण जी के सिवा दूसरी किसी वस्तु का प्रकाश किसी में नहीं जानेगा, तब तक्षत का डर उसके मन से छूट जाएगा। जब इस तरह उनमें ज्ञान आएगा तब वे जीवन मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज की ये बात सुनकर महाराज परीक्षित ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज मैं किस तरह बैठकर कौन से स्वरूप का ध्यान करूं। सुखदेव जी ने बोला, अरे राजन तुम कमल हासन बैठ और एक चित्र होकर अपने हृदय में परमेश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करो। कथा चित्र अंत कारण में उस स्वरूप का ध्यान ना कर सको तो सब संसार परमेश्वर के विराट रूप में जानकर उसका ध्यान लगाओ। विराट रूप इस प्रकार है, पाताल परमेश्वर के पांव, रसताल लोक घुटना, सुताल लोक जांग,
विताल अवत्य ताल लोक पृथ्वी कमर आकाश नाभि ज्योति चक्र जहां सूर्य चंद्रमा रहते हैं छाती है महालोक गला जनलोक मुख तपलोक माथा ब्रह्म का सत्य लोक उनका शिर उस आदि पुरुष का है इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं दसों दिशाएं उनकी कान अश्वनी कुमार उनके नाक हैं सब सुगंध नाक के छेद हैं अग्नि मुख आकाश आंखों के रहने का खड्डा सूर्य आंख दिन रात पलक झपक है जल पांव सब जगत का स्वाद जीवा यमराज उनके दांत माया उनकी हंसी लज्जा ऊपर का होठ लालच नीचे का होठ धर्म छाती अधर्म पीठ सब वृक्ष शरीर के रोम है मेघटा शरीर के बाल नदियां शरीर की नसें पहाड़ तन की हड्डी समुद्र पेट हवा उनकी सांस है मन उनका चंद्रमा है और पानी मेघ का वीर्य वे संध्या परमेश्वर का वस्त्र है परमेश्वर के उस रूप में मनुष्य बुद्धि से घोड़ा गधा खच्चर ऊंट नाक से हिरण आदि पक्षी उनकी जांघ से पक्षी आदि जीवा से गंधर्व विद्याधर चरण से अप्सरा सुर से भेड़िये आदि पैर की थली से और यज्ञ आदि परमेश्वर के मम्र से उत्पन्न हुए सो मनुष्य के तन में ज्ञान रहता है और पशु पशी आदि में ज्ञान नहीं होता इस तरह जो परमेश्वर का विराट रूप है उसी का तुम ध्यान करो जब इसमें तुम्हारा मन लग जावे तब छोटे स्वरूप का ध्यान करना